हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले अध्याय में, दसवीं के पिछले अध्याय में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बुक का लेसन नंबर 2 है। भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले बच्चों हम समझे कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र यानी देश, राष्ट्र एक देश, राष्ट्र के प्रति स्नेह और प्रेम को हम कहेंगे राष्ट्रवाद। अगर हम इसे राजनीतिक संदर्भ में लेते हैं कि क्या है राष्ट्रवाद, अगर कोई राजनीतिक दल अपने देश को उन्नति के पद पर ले जाता है तो वह है राष्ट्रवाद। अगर हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं देश को, तो वह है राष्ट्रवाद। एक उदाहरण लीजिए कि अगर कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है और जीतता है, अगर कोई खिलाड़ी खेलता है अपने देश के लिए, तो वो भी राष्ट्रवाद है। आइए अपने लेसन की शुरुआत करें। भारत में ये राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे शुरू हुए राष्ट्रवाद की भावना, थोड़ा हम अपने इतिहास पर चलते हैं। हालांकि हमने अपनी पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा गौर करते हैं। जो भारतीय इतिहास है, इसका जो रुख है वो बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजों से पहले भारत में गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का शासन था, लेकिन पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहाँ से ही भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। लेकिन आज हमारा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर। लेकिन बच्चों, ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, ये स्वतंत्रता हमें बहुत शहीदों के बलिदानों से, बहुत लोगों के प्रयासों से प्राप्त हुई है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र आंदोलन चले, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चले, उन आंदोलनों ने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा। यही कारण रहा कि चाहे हमें आज़ादी थोड़ी देर में मिली, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं। जो हमारा लेसन का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बच्चों 1914 में हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश लोग भी भाग ले रहे थे, ब्रिटिश सरकार भी विश्व युद्ध में शामिल था। लेकिन अब उसे इस विश्व युद्ध में सेना की कमी बहुत खल रही थी, क्योंकि उसे कुछ सेना अपने देश में रखनी थी, कुछ भारत में भी उनकी सेना थी, ठीक है ना। उस समय भारत पर ब्रिटिश का ही शासन था, तो इन्होंने युद्ध की खर्चे के लिए, एक तो इन्होंने रक्षा शोधन में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था, और इसके साथ ही इन्होंने इस खर्च की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर बहुत कर्ज लेने के साथ साथ इन्होंने आय कर, जिसे बच्चों हम टैक्स कहते हैं, टैक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी, आय कर भी शुरू कर दिया। और सीमा शुल्क समझते हो ना, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, वो सीमा शुल्क भी शुरू कर दिया।
वस्तुओं की जो कीमतें थी बच्चों वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जो 1913 से अगर 1918 तक का समय हम देखते हैं तो उसमें वस्तुओं की कीमतें थी जो दुगनी हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिश सरकार को सेना की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक खेल खेला बच्चों कि उन्होंने लोगों को ये कहा कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपका देश छोड़ देंगे। और किसानों को गांव में ज़बरदस्ती, गांव के किसानों को इन्होंने युद्ध में धकेल दिया। अब ये वही समय था जिस समय फसलें भी खराब हो गई थी। ये मार एक तरफ से नहीं पड़ रही थी बच्चों, उसी समय फ्लू की बीमारी भी फैल रही थी और फ्लू की बीमारी से लगभग 130 से 130 लाख लोग मर गए थे। ये 1921 की जनगणना के अनुसार लोगों को हर तरफ से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके अंदर एक यह बात थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज हमारा भारत छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो कठिनाइयाँ थी वो बढ़ती ही चली गई। आइए बच्चों अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गांधी का सत्याग्रह का विचार, गांधी जी का सत्याग्रह। उसी समय बच्चों एक इस आंदोलन में एक नए नेता का आगमन हुआ। वो नेता थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो बच्चों 1913 में दक्षिण अफ्रीका गए थे किसी मुकदमे की कार्यवाही के लिए। तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि जब मुकदमे की सुनवाई के बाद शाम के समय में एक पार्टी में जाना, जब वो एक पार्टी में गए तो जब उन्होंने एंट्री करने का वो गेट पर पहुँचे तो वहाँ पर लिखा हुआ था ओनली फॉर वाइट, ओनली वाइट पीपल अलाउड, यानी कि गोरे लोग ही वहाँ आ सकते हैं। तो उनके मन में बहुत दुख हुआ कि ये क्या गोरे लोग, वो चुप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट डे उन्हें एक ऐसा ही कोई और उनका जो किस्सा है वो भी बताते हैं आपको कि वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जिस कंपार्टमेंट में उनकी रिजर्वेशन थी वहीं सामने वाली सीट पर एक गोरे की भी सीट थी, रिजर्वेशन थी। तो गोरे ने आते ही गांधी जी को कहा कि यह सीट आपके लिए नहीं है, ये कंपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। गांधी जी ने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गोरे लोग ही बैठ सकते हैं, वाइट पीपल ही अलाउड है, आपको यहाँ से उतरना होगा। अपने तीस जो थर्ड क्लास का जो वो होता है कंपार्टमेंट उसमें बैठना। तब उन्हें बहुत महसूस हुआ, इन घटनाओं ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। फिर उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो पूरे जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिले और उनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद वहाँ पर उनको बहुत सफलता मिली।
और सरकार को वहाँ झुकना पड़ा वहाँ की सरकार को। फिर वहाँ से ये 1915 में भारत लौटे। अब ये बताने का मेरा क्या उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य यही था कि उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था वो वहीं से शुरू हो चुका था। ठीक है, अब आता है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह के विचार में बच्चों सत्य की शक्ति पर ही आग्रह और सत्य की खोज पर ही बल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिरोध या आक्रमकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह के बल पर ही हम उसे जीत सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। 1915 में जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने पूरा एक साल भारत का भ्रमण किया, सभी लोगों से मिले, हर प्रांत के लोगों से, हर कस्बे के लोगों से, उनके समस्याएं सुनी। फिर वो 1916 में बिहार में वहाँ के किसानों से मिले। बिहार में बच्चों चंपारण जिला है, वहाँ के किसानों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानियाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार, ब्रिटिश सरकार उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाती है। बच्चों नील की खेती के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से बताते हैं कि नील की खेती करने से क्या नुकसान हो जाते हैं। बच्चों नील की खेती जब आप करते हैं तो नील की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वहाँ पर कोई फसल और न उसके बाद, उसकी कटाई के बाद कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती। इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, इसके लिए उन्होंने वहाँ के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया और उन्हें सफलता मिली, सरकार को उनकी बात को माना। फिर नेक्स्ट ईयर 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए भी सत्याग्रह किया। खेड़ा जिला के किसानों की क्या समस्या थी, उनकी ये समस्या थी कि बच्चों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर भी उनसे कर वसूल रही थी, तो इसके विरोध में सत्याग्रह किया गया। इसमें भी उन्हें सफलता मिली। उनका जो नेक्स्ट आंदोलन था वो था 1918 में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। उन्होंने देखा कि मिल में लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी भी समस्याएं सुनी कि सरकार उनसे ज़्यादा काम करवा रही है और उसके बदले उन्हें कम मेहनताना मिल रहा है। तो वहाँ भी उन्होंने मिल मजदूरों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और इसलिए भी उन्हें अपार सफलता मिली। बच्चों आज का टॉपिक जो था प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह, उसको आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसको केयरफुली वॉच कीजिए।